हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है क्या मेरा पेमेंट यूट्यूब की तरफ से 10 महीने के बाद क्यों और कैसे आया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है कि मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है वो 10 महीने के बाद कैसे क्या आया। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 1 अगस्त 2019 को, लेकिन मेरा यूट्यूब पर पेमेंट जल्द ही आ जाता, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेरा यूट्यूब का जो अर्निंग है वो नहीं हुआ था। क्योंकि मोस्ट ऑफ होता है कि जब आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो तो आपको डेली या तो फिर 2 दिन 3 दिन या तो हफ्ते से आपको रेगुलरली एक वीडियो अपलोड करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ क्या मैंने अपना चैनल ओपन करी हो 27 नवंबर 2018 को, तो मेरा चैनल मोनेटाइज है 1 अगस्त 2019 को, लेकिन मेरा जो जुलाई के एंडिंग और अगस्त में मेरा जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया था और जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और न्यू मोबाइल लेने के लिए मैंने इसे इंस्टॉलमेंट में मैंने मोबाइल ख़रीदी थी, जिसकी वजह से उसे आने के लिए कम से कम एक हफ्ता लग गया वो मोबाइल आने के लिए। और मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोले थे, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई और मेरा बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया था। क्या मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं अपने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करती थी, मतलब बहुत लेट करती थी, हफ्ते भर से 10 दिन से 15 दिन से। इसलिए मेरा यूट्यूब का जो अर्निंग है वो बराबर हुआ नहीं था। और यूट्यूब का एक रूल है कि फ़र्स्ट जो पेमेंट है आपका वो $100 होता है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में आता है। तो मेरा YouTube का $100 हुआ नहीं था। और जब मेरा $100 हो चुका तभी लॉकडाउन शुरू था, ये तो सभी जगह लॉकडाउन था। तो इस वजह से मेरे पास कोई अकाउंट भी नहीं था कि जो मैं अपना अकाउंट नंबर दे सकूं YouTube में, जो एडसेंस अकाउंट ऐड करना होता है, तो मेरे पास मेरा पर्सनल अकाउंट भी नहीं था। तो जब लॉकडाउन खुला उसके बाद में जब खुली तो मैंने जून में अपना बैंक का अकाउंट खोली, उसके बाद में मैंने अपना एडसेंस ऐड करके जब जाकर मेरा फर्स्ट पेमेंट आया हुआ है। इसलिए यूट्यूब का ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेमेंट लेट आता है, बस आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहे तो जो आपकी अर्निंग होगी वो कम हो या ज़्यादा हो ये मत देखिएगा। वो पेमेंट आपका हर महीने में आना चाहिए ये भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड के आपके वीडियोस के व्यूज़ कितने आते हैं, व्यूज़ के ऊपर भी नहीं होता, व्यूज़ के ऊपर कितने ऐड आते हैं उसके ऊपर ही आपको जो अर्निंग होती है। इसलिए आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहे, $100 हो जाने के बाद में उन लोगों आप एडसेंस ऐड करके आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ईजीली आ जाता है। चूँकि यहाँ पर मेरे सम रीज़न्स की वजह से मुझे 10 महीने के बाद में मेरा फ़र्स्ट पेमेंट आया था और मेरा सेकंड पेमेंट भी आ चुका है। ये इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कभी कभी तो पर रहती हूँ। ये एक छोटा से गांव है जो पनवेल और लोनावला के बीच में लगता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से पूरा पहाड़ी इलाका है ये, यहाँ पर पूरे पहाड़ियों के बीच में हम रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी नदी भी है, ये देखिए। मैं जहाँ रहती हूँ अभी, यहाँ पर मुझे आकर 2 साल ही हुए हैं। मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ, जो मेरा घर है वो खुद का घर नहीं है, मैं यहाँ पर रेंट पर रहती हूँ। और जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो बहुत ही अलग टाइम पर करती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो का जो टाइमिंग है बनाने का वो मॉर्निंग में मैं 6 बजे वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आए कि आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ होती है बच्चों की, कुछ वीडियो समझ में नहीं आता है हमें, आप प्लीज़ प्रॉपरली बताएं। इसलिए मैं इतने जल्दी उठकर बनाती हूँ। अगर आप चाहो दिल से कोई काम करना तो वो आप टाइम नहीं होता है, बस करने की एक उम्मीद होती है कि आपको ये करना है तो बस करना है। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए थे क्या जिससे मैं अपनी हार
मान लेती, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मुझे कल रिसेंटली एक जन का कमेंट आया, क्या मुझे मेरे फ्रेंड्स गांव वाले लोग बोल रहे कि तू कुछ मत कर, तेरे कुछ नहीं होने वाला, ये यूट्यूब पर ऐसे वैसे बहुत कुछ। तो मैंने उसको बताई कि नहीं, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं ना, आपके अंदर क्या चीज़ है, आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहिए, अपलोड करते रहिए, अच्छे अच्छे थंबनेल रखिए, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ तो बात होगी ना, जो लोग देखेंगे उसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आज नहीं तो कल इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। क्या मैं वो हार मान लेती, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी, बस मैं करती रही, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, मैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है क्या जब मैं कोई रेसिपीज़ बनाती हूँ, वो अपलोड करती हूँ, बहुत लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, फिर रिक्वेस्ट आती है कि आप ये नहीं ये बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो चीज़ करती हूँ। इसलिए जितना हो सके आपके रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स में आपका चैनल है वो स्टार्टिंग में शेयर ना करें, क्योंकि वो आपको ऐसे उम्मीद नहीं देंगे कि आप हाँ ये कर सकते हो करके। इसलिए आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते रहे और यही सोचे क्या आज नहीं तो कल ज़रूर तरक्की होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज अपने चैनल ओपन करें और कल आपको अच्छे खासे व्यूज़ आने लग जाए। मुझे 2 साल लग गए, मेरे आज भी मेरे कुछ इतने व्यूज़ नहीं होते हैं, 100-200 इतने व्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं, मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं करती रहती हूँ वो। इसलिए कितनी डेंजर बारिश आ रही है, मेरे चैनल ओपन करके 2 साल हो चुका है, तो भी आज यूट्यूब की मेरी 2 साल के बाद अर्निंग चालू हुई है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं ये वीडियोस अच्छे बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के कमेंट अच्छे अच्छे पढ़ती हूँ और आप लोगों को रिप्लाई भी देती हूँ, तो इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहे। और मैं अपनी कुकिंग किस तरह से करती हूँ, मतलब कैसे मैनेज करती हूँ, वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहे, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत है और लाइट भी यहाँ पर बार बार जा रही है, तो इसलिए मैं रेसिपीज़ नहीं बना पा रही हूँ, तो जब ये बारिश कम होगी तो ज़रूर मैं अच्छी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो मेरा साथ देते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।